मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को आपके बुक्स के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस क्या है? अ गार्डनर टेक्स 35 मिनट्स टू प्लांट 7 सैपलिंग, हाउ मेनी सैपलिंग विल ही प्लांट इन 100 मिनट। ठीक है, एक जो गार्डनर है वो 35 मिनट में 7 सैपलिंग को क्या करता है, वो प्लांट करता है। ठीक है, तो ये हमको बताना है कि 100 मिनट में कितने सैपलिंग वो प्लांट करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ करेंगे द टाइम टेकन फॉर प्लांटिंग 7 सैपलिंग, उसको 7 सैपलिंग करने में कितना प्लांट करने में कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उसमें कितना टाइम लगता है, उसको 35 मिनट। कितना टाइम लगता है उसको? 35 मिनट। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 35 मिनट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द टाइम टेकन फॉर प्लांटिंग 1 सैपलिंग, तो उसको 1 सैपलिंग प्लांट करने में कितना टाइम लगेगा। हम लोग को पता है उसको 7 करने में क्या लगेगा, 35 मिनट। तो 1 के लिए क्या करेंगे, उसको 7 से क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा उसको 1 सैपलिंग करने में कितना टाइम है। 1 सैपलिंग को प्लांट करने क्या होगा, ये 5। कितना लगेगा उसको? 5 मिनट। कितना टाइम लगेगा उसको? 5 मिनट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हमको क्या बताना है यहाँ पे कि 100 मिनट में कितने सैपलिंग को क्या करेगा, वो प्लांट करेगा। ठीक है, तो हम लोग देख पता है 5 मिनट में, 5 मिनट्स द नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांट, वो 5 मिनट में कितना करेगा, 1 कर रहा है। कितना कर रहा है सैपलिंग को, 1 सैपलिंग क्या कर रहा है, वो प्लांट कर रहा है। तो हम लोग फिर क्या करना है, 100 मिनट्स में तो वो कितना करेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 को क्या करेंगे, 5 से क्या कर देंगे, यहाँ हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि वो 100 मिनट में कितने सैपलिंग प्लांट करेगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगी, 20। कितना आ रही है आपके, 20। तो 100 मिनट में कितने सैपलिंग प्लांट करेंगे, वो 20। मतलब कितने प्लांट करेगा, वो 20 को। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि रोहन हैज 3405 पेन्स, हाउ मेनी बंडल्स ऑफ 5 पेन कैन ही मेक। मतलब क्या है, रोहन के पास क्या है, 3405 पेन्स है और उसने उसको क्या करना है, एक बंडल क्या करना है, 5 पेन्स को उसे क्या करना है, एक बंडल बनाना है। तो कितने बंडल्स को बनाएगा, हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेन, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर्स ऑफ पेन। तो हमने नंबर्स पेन कितना दिया है टोटल यहाँ पे, 3405। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3405। अब क्या नंबर ऑफ पेन इन ईच बंडल, एक बंडल में कितने पेन हमको रखने हैं, कितने पेन यहाँ पे दिए, 5 पेन। कितने पेन है यहाँ पे, 5 पेन। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5। अब हमको ये पता करना टोटल नंबर ऑफ बंडल, टोटल नंबर ऑफ बंडल्स क्या होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स को नंबर ऑफ बंडल से क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा मेरा, उतना बंडल वहां पे उसके पास होगा। तो देखिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, आप लोग डिवाइड करने अच्छी तरह से आ रहे हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, 6 बार में जाएंगे 4, फिर ये 0 यहाँ पे कितनी बार ले जाएगी, 8 बार में 14, फिर यहाँ से 5 आएगा कितनी बार लेंगे, 1 बार में 5 आंसर 5। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन कितना आ रहा, 681। मतलब वो जो है कितने बंडल्स को बनाएगा, वो 681 बंडल उसके पास पेन के होंगे। ठीक है, बाकी आप लोग के बुक्स में कुछ जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स दिए होंगे, आप लोग उस वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग अपने बुक्स के वर्ड्स प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5D के वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।